नमस्कार दोस्तों। देखा जाए शाहरुख खान की मूवी जवान के टीजर को लेकर के देखा जाए पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, लेकिन अब बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी निकल कर के सामने आ गई है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बॉलीवुड का किंग खान लौट के आ गया है। देखा जाए शाहरुख खान इस समय डंकी मूवी की शूटिंग के दौरान कश्मीर में थे और ये माना जा रहा था कि इस शूटिंग में काफ़ी समय लगेगा, जिसके चलते शायद उनको काफ़ी टाइम लगेगा मुंबई आने में। लेकिन देखा जाए अब बहुत बड़ी खबर निकल कर के सामने आ गई है। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान की कुछ तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि शाहरुख खान मुंबई एयरपोर्ट पे नज़र आ रहे हैं, यानी कि उन्होंने डंकी मूवी की शूटिंग जम्मू में पूरी करके वो अब मुंबई लौट आए हैं। और उनके मुंबई आने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि यानी कि अब जवान के ट्रेलर या टीजर्स में कोई बहुत बड़ी अपडेट निकलने वाली है। देखा जाए दोस्तों, शाहरुख खान के फैंस वाकई में बहुत ही परेशान थे, इतना परेशान हो गए थे कि वो रेड चिलीज़ को गालियां देने लगे थे, यहाँ तक कहने लगे थे अब हमको जवान मूवी देखनी ही नहीं है। लेकिन जैसे ही शाहरुख खान की एंट्री एयरपोर्ट में होती है और फैंस के चेहरे में देखा जाए फिर से खुशी दोबारा लौट आती है। उनको अब ये मालूम चल गया है कि अब जवान के ट्रेलर या टीजर की बहुत बड़ी अपडेट मिलेगी, नहीं तो जवान से लेकर के कोई बहुत बड़ी अपडेट तो निकलनी निकलनी है। यानी कि अब ये तय हो गया है, अब शाहरुख खान इस डेट को कब अनाउंसमेंट करते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अब देर नहीं है दोस्तों, अब बहुत ही जल्द हम जवान से लेकर के कोई बहुत बड़ी अपडेट सुनने वाले हैं। और देखा जाए जैसे ही इससे कोई बड़ी अपडेट निकल करके सामने आएगी तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो बनाने का मजा दुगना हो जाता है। दोस्तों आपसे हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।